पुणि हिंदू मंदिर उपरे आक्रमण मुसलमान कट्टरपंथी माने कालीमा मंदिर मूर्ति को भांगिले अध किलोमीटर दूर से मिलला मूर्तिर भंगा अंश बांग्लादेश हिंदू मंदिर गुड़िक उपरे आक्रमण घटना थमुना एवं मुसलमान कट्टरपंथी माने काली मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति को भंगारुजा कर जो काली मंदिर में मूर्ति भंगा जाए मंदिर खूब पुरातन कहुची यह मामलें वर्तमान सुधा अपराधी को धरा जापारी बांग्लादेशी गणमाध्यम प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार यह घटनाटी झेनईदाह जिलार दैतिया गाँव में हो गाँव में कालीमा मंदिर में मुसलमान कट्टरपंथी माने प्रवेश कर मूर्ति भंगारुजा कर भंगा जा मूर्तिर मुंड मंदिर आधा किलोमीटर दूर से फिंगी दिया जाए छी। एही मंदिर समितिर सभापति सुकुमांड कुंडा कहते जे एही मंदिर अत्यंत पुरातन शह शह वर्ष धरी मंदिर में पूजार्चना होती गत शुक्रवार दिन राति तीन रु चार भंगारुजा कर मंदिर में कौन प्रकार सुरक्षा व्यवस्था नथिबा कारणरु मुसलमान आक्रमणकारी माने बिना कौन भय मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति भंगारुजा कर एक मामला विषय सका जमापड़ा पर पुलिस को सूचना दिया दि जा पुलिस मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर गिरफ्त करा मामलें कई हिंदू को कौन क्षति हो नक्ष बांग्लादेश पूजा सेलिब्रेशन काउनसिलर साधारण संपादक चंद्रनाथ पोदार कहते यह घटना बांग्लादेश में दस दिवस दुर्गा पूजा समाप्त होबार 24 घंटा मध्य आक्रमण हो चलित थर बांग्लादेश दुर्गा पूजा अवसर में कौन अप्रिय घटना होना यह पूर्व गत वर्ष बांग्लादेश चांदपुर जिला समेत अनेक स्थान में दुर्गा पूजा मेढ़ और हिंदू मंदिर उपरे आक्रमण कर आक्रमण में अनेक हिंदू मृत्युवरण करते नोआखाली इस्कन मंदिर उपरे आक्रमण होता बांग्लादेश हिंदू संख्यालघु आक्रमण एक लंबा इतिहास रही सेठारे प्राय सबुबले हिंदू मानक उपरे आक्रमण करा हत्या करा जिबा सह हिंदू महिला मानक दुष्कर्म करा जिबा सहित घर को जाली दिया जिबा परी घटना बारंबार सामना को आसी थाए 2011 मसीहार जनगणना अनुसार बांग्लादेश हिंदू मानक जनसंख्या मोट जनसंख्यार मात्र 8.5% अच्छी भारत स्वाधीन हो विभाजन होगा बेले सेते बेलर पूर्व पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश हिंदू मानक संख्या पाखापाखी 30% थिला तेबे हिंदू विरोधी अत्याचार कारण सेठारे हिंदू का संख्या कमी 10% रु कम रे पहुंची सारिलानी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।